वेलकम बैक। आपको बताएं कराची के इलाके डिग रोड कैंट बाजार में वाके अतीबा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मंसूबे तैयब सिटी प्लाजा का इफ्तिताह कर दिया गया। पुरवकार तकरीब में मौजूदीन शहर और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में रिहायशी मनसूबे तैयार करने वाले अतीबा बिल्डर एंड डेवलपर डिग रोड कैंट बाजार में वाकई शानदार मनसूबे तैयब सिटी प्लाजा में इफ्तिताही पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ बिल्डर मौजूदीन शहरी और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैमिली फेस्टिवल, फन गाला और बच्चों के लिए पेस्ट शो का भी इनकार किया गया, जिसमें शहरियों और बच्चों ने गहरी दिलचस्पी और खूब एंजॉय किया। इस मौके पर तैयब सिटी के चेयरमैन तैयब खान का कहना था कि मनसूबा 2, 3 और 4 कमरों पर मुश्तमिल और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। ये जो तैयब सिटी प्लाजा हमने डिग रोड में शुरू किया अभी, उसका ये है कि ग्राउंड प्लस 11 की हमने अप्रूवल कराई है और इसके नीचे ग्राउंड पे हमने शॉप्स बनाई और ऊपर फ्लैट है। बाई लास्ट के मुताबिक सारा काम होगा इंशाल्लाह और कोई भी वायलेशन नहीं की जाएगी और जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम की हम 100% अल्लाह ने मेरे ने चाहा पाबंदी करेंगे। हाँ, यहाँ छोटे से छोटा फ्लैट भी है, बड़ा भी है, सेंटर वाला भी है, हर तबका ले सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ। हमने पूरे इलाके का विजिट किया पहले 6 महीने से वर्किंग की कि इस इलाके में कौन से लोग रहते हैं, कितने उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हमने ये सारी चीज बनाई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर राणा अथर का कहना था कि मनसूबा मिडिल क्लास अफराद जरूरियात को मद्देनजर रखकर तश्कील दिया गया है, जिससे आवाम मुस्तफीद होंगे। इसमें बेसिकली जो है कुछ उसके अलावा कुछ पेमेंट्स हैं, जिस तरह के स्लैब कास्टिंग की पेमेंट्स हैं और उसके अलावा एक डाउन पेमेंट है। इस तरह करके मतलब हम पेमेंट स्केड्यूल काफी आसान करके जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि ना बंदे को मुश्किलों ना हमें। इसे काफी अच्छा रिस्पांस आया लोग का, वो इस वजह से अच्छा रिस्पांस आया है क्योंकि जो है काफी लोग आए, हमें इतनी पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन इधर लोगों को मेरे ख्याल से इस चीज की जरूरत थी। हमने वो प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट की चीजें, तो इससे हमें भी काफी फायदा होगा। इस एरिया का बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस एरिया में ऐसे हाई रेज बिल्डिंग नहीं है पहले, इससे पहले ना, तो इसमें हम लोग प्लानिंग इसकी इस तरह है कि हम अंडरग्राउंड 2 लेवल की कार पार्किंग दे रहे हैं इसमें और ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल शॉप्स दे रहे हैं। बेसिकली हमने जब इस एरिया का वो किया, सर्वे किया स्टार्टिंग में, तो हमने स्टडी की थी कि क्या कैटेगरी है लोग यहाँ के, तो हमने उस हिसाब से 1 बेड लाउंज का रखा है। बेसिकली यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो रेंट पे हैं, तो 20,000 नॉर्मली वो रेंट देते हैं, तो हमारी एक जो कैटेगरी 1 बेड लॉन्च की है उसमें हमारी ये कोशिश थी कि 20,000 वो हमें देते रहे बिल्डर को और 4 साल में उनका अपना एक घर बन जाएगा, तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजी थी। मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर शहरियों की दिलचस्पी के लिए फैमिली गाला के साथ बच्चों के लिए खसूसी एहतमाम किया गया, जिसे शुरुआत ने खूब सराहा। कैमरामैन रेहान सदीकी के साथ मलिक फैसल, K20 न्यूज कराची।